हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हमें किचन में फिर से एक बार और बन रहा है नाश्ते में सिर्फ रोटी, क्योंकि मैंने दही सुबह रात में जमा के रखी थी। तो गर्मी का जैसा गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो मैंने सोचा चलो सुबह में एकदम हल्का नाश्ता किया जाए। रोटी तो वैसे हल्का नहीं हुआ, लेकिन वैसे सब्जी उब्जी का कोई आज झमेला नहीं करना है मुझे, तो मुझे बस आज नाश्ते में रोटी बनाना है। दही मेरा पहले से बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए सुबह का समय है, गर्मी है और हम बना रहे हैं रोटी फटाफट, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा काम करना है मुझे। और जैसे कि मैं आज लेट उठी हूँ तो और ज़्यादा जल्दीबाजी में काम करना है। तो चलिए हम नहाने जाते हैं। और ये देख सकते हो मैं नहा कर फ्रेश हो गई हूँ और ये मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है घर के अंदर और घर के बाहर भी। देखिए मेरे बजरंगबली का झंडा कितने अच्छी तरह से लहरा रहे हैं झंडा। तो यही है बस, पूजा पाठ हो चुका है आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। खाना बना रही हूँ मैं। देखिए बरबट्टी, चने की सब्जी, आलू, और इस तरह बन रहा है करेला का भुजिया। तो फ्रेंड्स धूप भी बहुत ज्यादा है और गर्मी आ गई है। देखिए पंखा की घूम रहा है और इतना ज्यादा, मतलब अब बाहर निकलना ही मुश्किल है। अब देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप है, पूरी खिली खिली धूप है बाहर में। और कपड़ा वगैरह भी बाहर नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ही, मतलब धूप पड़ रही है अभी। अब बिना पंखे के बैठ नहीं सकते हो आप। यही है, पूजा पाठ हो गया है, खाना बना रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स खाना ऑलमोस्ट बन चुका है और ये लास्ट सब्जी चढ़ी हुई है जो कि बनने वाली है। और ये मेरा किचन वेस्ट है जो मैं फेंकने जा रही हूँ। तो फ्रिज में वैसे भी आजकल सब्जी डालने से फ्रेंड्स पूरा गल ही जाता है, ज़्यादा सब्जी अब डाल भी नहीं सकते फ्रिज में हम। तो चलिए में निकला नहीं जा रहा है बिल्कुल, फिर भी निकलना पड़ेगा काम करने के लिए। और मेरा इधर कंपोस्ट बनता है जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है फ्रेंड्स, किचन के जो जितने सब्जी के जो कटिंग निकलते हैं, फ्रूट के कटिंग निकलते हैं, उसे मैं यहाँ पर देख लेती हूँ आप देखिए। और ये सड़ गल के मिट्टी बन जाएगा और जो कि मेरे फूल वगैरह पेड़ के फूलों के पेड़ों में डालने के लिए बहुत अच्छा है। ये धूप है, बाहर रहा नहीं जा रहा बिल्कुल। चलिए अब घर में ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे घर में एक फ्रूट है, तो ये शायद इसको कस्टर्ड का पेड़ बोलते हैं, मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है। तो देखिए आप ये क्या है, ये हम लोग के छत्तीसगढ़ में तो इसको सीताफल बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा मतलब दूसरे टाइप का रहता है वो सीताफल। और यहाँ पर इसकी जो बॉडी है पूरी प्लेन है,
तो ये मेरे घर में एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं और पक भी गए हैं। देखिए कितने अच्छे से पेड़ में ही पका हुआ है ये। इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसको ही कस्टर्ड बोलते हैं, जो बाज़ार में आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए जो कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करते हैं हम, जो खरीद के लाते हैं, वो शायद इसी से बनता है। तो ये उसी का पेड़ है और इसके फ्रूट भी बहुत, मतलब इसका खाने में भी बहुत टेस्टी है और मीठा भी है। और जैसे कि ज़्यादा ये पक गया इसलिए ऐसा दिख रहा है, और पेड़ में भी भर भर के लगा हुआ है ये। तो इसको हम लोग बीच बीच में का थोड़ा खा लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसका बीजा अगर हम इसको फेंक देते हैं कहीं बाहर में तो उससे ही भी इस पेड़ निकल जाता है इसका, तो और ज़्यादा केयर भी नहीं करना होता है ये इसको, और बहुत जल्दी लग भी जाता है। फिर पूरा भर भर के फल भी आते हैं इसमें। तो चलिए हम थोड़ा खा लेते हैं इसको।